नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के चांदपुर गांव के अनिल प्रधान जी हैं और आप बहुत अच्छी आयुर्वेदिक रीति से इलाज करने की विधियां जानते हैं। आपने पहले भी हमारे साथ शेयर किया है कि हम कैसे गुर्दे की पथरी को ठीक कर सकते हैं। आज चले गए इलाज के लिए आप हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं। अनिल प्रधान जी हमारे साथ में हैं। नमस्कार अनिल जी। जी नमस्कार। आपको जानकारी है कि घरेलू नुस्खे हुआ करते हैं जो व्यक्ति अपने छोटी छोटी दिक्कतों को दूर कर लेता है, उससे आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं। ऐसे ही नुस्खा होता है कि ये अगर हमारा हाथ जल जाता है किसी चीज़ में या पैर जल जाता है, शरीर का कोई भी अंग हमारा तुरंत किसी चीज़ से अगर गर्म चीज़ से जल जाए, तो उसका एक सिंपल सा सबसे बेस्ट प्रैक्टिकली आयुर्वेदिक नुस्खा है। घर में जो आलू होते हैं, कच्चे आलू, आप जितना जला हुआ है उतना ही तुरंत आलू के टुकड़े को लें, उसको कूट लें, उसका मलम बना लें और जले हुए स्थान पर लगाकर पट्टी बांध लें। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी तुरंत बोलो फर्स्ट इलाज की, वो जो बोलते हैं अंग्रेजी में फर्स्ट एड की सुविधा है। हाँ, एकदम शुरुआती चिकित्सा है। अगर खाल उतर जाए तो उस पर गोले के तेल के अलावा कुछ ना लगाएं, आलू का मलहम भी ना लगाएं। यदि हमारा जल जाता है और खाल जुगी तो रहती है तो उस पर तुरंत देर ना करें, एक मिनट से ज़्यादा देरी होने पर जो है वो फोका पड़ जाता है उसका, तो इसलिए थोड़ा सा शुरू में ही अगर आलू कूट कर लगा लें, उसका मलहम बना के लगा लें, तो हमें वो जो फूट जाता है, वो फोका पड़ जाता है, वो नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ तो नरेंद्र जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।